हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और आईएएस और पीसीएस के मेंस के सामान्य अध्ययन के पेपर में इसमें से क्वेश्चंस जो है लिखने के लिए आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मंदिर निर्माण शैली। भारत में स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण की शैली एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आइए आज इस क्लास में हम जानते हैं कि भारत में मंदिरों के निर्माण की कौन कौन सी शैलियां हैं और उनमें कौन कौन से मंदिरों का निर्माण किया गया है, जहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर किस शैली से संबंधित है या फिर कहां पे स्थित है। और दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस उन शैलियों की कुछ विशेषताओं से भी पूछे जाते हैं और रिटर्न में आपको डिटेल में लिखने को तो आ ही सकता है। तो चलिए हम जानते हैं मंदिर निर्माण की शैलियाँ। तो भारत में प्रमुख रूप से मंदिरों के निर्माण की जो शैली है वो मौर्य काल से प्रारंभ होती है। मौर्य काल से मंदिर निर्माण स्टार्ट होते हैं और गुप्त काल में ये अपने चरम पे पहुंचते हैं, जब मंदिरों का जो हम वर्तमान में स्वरूप देखते हैं वो गुप्त काल में ही विकसित हुआ। तीन प्रमुख शैलियाँ जो हैं भारत में प्रचलित हैं, एक है नागर शैली और दूसरी है द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तीन प्रमुख शैलियां हैं जो मंदिर निर्माण जिनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा नायक शैली, विजयनगर शैली, होयसल शैली और पाल शैली भी मंदिर निर्माण की कुछ शैलियां हैं। तो आज हम तीन जो प्रमुख शैलियां हैं नागर, बेसर और द्रविड़, इनके विषय में जानेंगे और इनके कुछ प्रमुख मंदिरों के उदाहरण भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए हम नागर शैली की बात करते हैं। नागर शैली तीन उप शैलियों में विभाजित है। नागर शैली का जो है तीन उप शैलियों में विभाजन किया गया है, ओडिशा, खजुराहो और सोलंकी। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो मैं भी आपको बता दूंगा। नागर शैली के विषय में हम चलिए जानते हैं। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के विंध्य तक, देखिए उत्तर भारत में, यहाँ पे मैंने देखिए इंडिया के मैप में हमने तीनों शैलियों को प्रदर्शित किया है। जो उत्तर का क्षेत्र है वहां पर नागर शैली प्रचलित हुई, जो हिमालय से लेकर के विंध्य तक का, ये विंध्य रेंज यहां पर है, विंध्य पर्वत, यहां तक का जो क्षेत्र है वहां जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, ये एक मंदिर यहां पर मैंने ड्रा किया है जिसमें देखिए सबसे नीचे होता है जगती, एक ऊंचा चबूतरा होता है जिसको जगती कहा जाता है और इसके ऊपर एक कम ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है जिसको पीठ कहा जाता है। जगती और पीठ ये आधार बनाते हैं और इसके ऊपर निर्मित किया जाता है मंदिर जो नागर शैली का है। और इसमें कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं जहां से प्रश्न भी बनते हैं नागर शैली में, पहले नंबर पे है गर्भगृह। गर्भगृह वो कमरा होता है, वो रूम होता है जहाँ पर प्रमुख देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसको गर्भगृह कहा जाता है। तो ये चतुष्कोणी है, ये जो मंदिर हैं वो चार कोनों वाले होते हैं और गर्भगृह होता है। गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है, शिखर जो मंदिर के ऊपर छत होती है उसकी, वो इस तरह से है, कुछ इस प्रकार से रेखी, यानी जो नीचे का भाग चौड़ा होता है और ऊपर धीरे धीरे जाते हुए वो भाग पतला होता जाता है और टॉप में जा कर के उस पे ऊपर एक गोल आधार होता है जिसको कहा जाता है आमलक। तो ये जो छत है उसको शिखर कहा जाता है, जो कोनिकल शेप में है इसको रेखीय शिखर कहा जाता है क्योंकि ये धीरे धीरे ढलान होते हुए है, और इसके ऊपर एक गोल आधार होता है जिसे आमलक कहा जाता है और इसी आमलक के ऊपर कलश स्थापित किया जाता है। नागर शैली का एक प्रमुख लक्षण है कि इसके टॉप पे कलश होता है और उसके नीचे आमलक होता है। इसका शिखर बहुत ऊंचा नहीं होता है, जब हम आगे देखेंगे द्रविड़ शैली के जो शिखर है वो बहुत ऊंचे हैं, यहाँ नागर शैली के शिखर उतने ऊंचे नहीं हैं जितने द्रविड़ शैली में होते हैं। और ये मंजिला नहीं है, ये एक है, इसमें मंजिल नहीं है, ये द्रविड़ शैली का अलग लक्षण होगा। तो यहाँ पे अंतर ये है कि जो नागर शैली के शिखर हैं उनमें मंजिलें नहीं पाई जाती हैं, ये रेखीय शिखर कहलाते हैं। और इसके बाहर होता है मंडप। मंडप क्या है, जो एक सभा कक्ष होता है, इसको आप बरामदा कह सकते हैं। गर्भगृह के बाहर एक सभा कक्ष होता है जहाँ पे अधिक जो भक्त हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं,
पूजा करने के लिए, तो उसे कहा जाता है मंडप। तो गर्भगृह के बाहर मंडप होता है, कहीं कहीं पे मंडप के आगे अर्ध मंडप भी देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पर इसके आगे एक और मंडप हो सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जगती और पीठ, मंडप, गर्भगृह, शिखर, आमलक और कलश क्या होते हैं नागर शैली में। अब इसमें जो है गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक पथ होता है जो ढका हुआ होता है बरामदे से, उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। प्रदक्षिणा पथ इसमें ढका हुआ होता है, यानी उसके ऊपर छत होती है और उसमें जो भक्त लोग हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं, वो परिक्रमा करते हैं। तो प्रदक्षिणा पथ इसमें क्या है, ढका हुआ। इसका एक विशेष और लक्षण है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली क्या होता है, पंचायतन शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं उसमें एक प्रमुख मंदिर होता है और उसके चारों तरफ जो है और मंदिर बनाए जाते हैं। इस प्रकार से पांच मंदिरों का समूह हो जाता है, उसको पंचायतन शैली कहा जाता है। पांच मंदिरों का एक ग्रुप होता है जिसमें जो बीच का मंदिर होता है वो प्रमुख मंदिर होता है, उसे मुख्य देवता का मंदिर माना जाता है और उसके चारों तरफ के जो मंदिर होते हैं वो सहायक देवताओं के मंदिर होते हैं। तो इस शैली को कहा जाता है पंचायतन शैली। और इसमें नागर शैली में पांचों मंदिरों में यानी सभी मंदिरों में शिखर होते हैं, जो शिखर है वो सभी मंदिरों में होता है। इसमें ऊंची जगती और पीठ होती है, यानी ये ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बनाए जाते हैं। इसमें गोपुरम, गोपुरम क्या होता है, जब हम आगे भी द्रविड़ शैली में बात करेंगे तो मंदिर के बाहर एक बहुत भव्य सुसज्जित गेट, दरवाजा बनाया जाता है जिसको गोपुरम कहा जाता है। ये दक्षिण के मंदिरों की विशेषता है, नागर शैली के मंदिरों में गोपुरम यानी गेट, मंदिर के बाहर अलग से एक भव्य द्वार नहीं बनाया जाता है, तो गोपुरम नहीं पाया जाएगा। जलाशय, मंदिर प्रांगण में परिसर में कोई जलाशय बनाने की परंपरा नहीं थी, नागर शैली में जलकुंड, जलाशय या जल स्रोत मंदिर के परिसर में नहीं बनाए जाते थे। इसके पीछे कारण रहा होगा क्योंकि नागर शैली जो है उत्तर भारत में विकसित हुई और उत्तर भारत में प्राकृतिक रूप से ही पानी की उपलब्धता जो है समुचित मात्रा में है, नदियाँ, पोखर, झीलें, तालाब ये सब प्राकृतिक रूप से पहले से ही पाए जाते हैं, तो मंदिरों में अलग से जलाशय बनाने की आवश्यकता शायद नहीं महसूस की गई होगी, इसीलिए मंदिर प्रांगण में अलग से जलाशय नहीं बनाए जाते थे। चार दीवारी, मंदिर के चारों तरफ जो है परकोटा, जो ऊंची दीवार घेरे होती है, चार दीवारी बोलते हैं जिसको, या बाउंड्री वाल, वो भी नागर शैली के मंदिरों में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो गर्भगृह है, गर्भगृह का जो द्वार होता है वो मंडप में खुलता है, यानी आप सबसे पहले इधर से प्रवेश करेंगे, मंडप में आएंगे और मंडप से द्वार होता है गर्भगृह के लिए। यहाँ पर द्वार पर नदी देवी की मूर्तियाँ लगाई जाती थीं, जैसे गंगा देवी, यमुना देवी, इन देवियों की मूर्तियाँ जो है गर्भगृह के द्वार पर लगाई जाती थीं। तो नागर शैली की इतनी विशेषताएँ हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि जैसे कि उदाहरण के लिए किस शैली के मंदिरों में गर्भगृह के द्वार पर गंगा एवं यमुना जैसी देवियों के मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी, तो उत्तर क्या होगा, नागर शैली। अब नागर शैली के तीन उप शैलियाँ हैं, ओडिशा, ओडिशा शैली, उड़ीसा में जो विकसित हुई, उड़ीसा के मंदिरों में जो आप देखेंगे उसको ओडिशा शैली कहा गया। खजुराहो में, मध्य प्रदेश में खजुराहो में जो मंदिर पाए गए हैं उसमें खजुराहो शैली प्रयोग की गई, उनको खजुराहो शैली कहा जाता है। सोलंकी शैली जो है वो सोलंकी शासकों के संरक्षण में विकसित हुई, गुजरात की तरफ इसको आप देखने को मिल सकता है आपको। तो इस प्रकार से इनमें कुछ अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर है और उनको हम भी उदाहरण में देख लेंगे, नागर शैली के कौन कौन से मंदिर उदाहरण में हैं, इधर हमने इनको लिखा है आप देखें। नागर शैली के जो मंदिर हैं उसमें जैसे कि कानपुर का है भितर गांव मंदिर, आप इनको याद कर लें, नोट कर लें, उदाहरण पूछे जाते हैं इनके स्थान और शैलियाँ इनकी विशेषताओं के साथ। भितर गांव मंदिर कानपुर में है, यह नागर शैली का मंदिर है। दशावतार झांसी, लक्ष्मण मंदिर सिंहपुर, ये सभी नागर शैली के मंदिर हैं। कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो में है मध्य प्रदेश। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं वो नागर शैली के तो हैं ही,
नागर शैली के कौन से उपशैली के हैं? खजुराहो उपशैली के। खजुराहो अलग से शैली है, नागर शैली का ही एक उपरूप है। तो उसमें जितने भी खजुराहो के मंदिर हैं, इनकी विशेषता क्या है कि इनमें जो नक्काशी है, दीवालों पर जो नक्काशी की जाती थी, वो दोनों तरफ से है, अंदर भी है और दीवालों के बाहर तरफ भी है खजुराहो शैली में। और इनमें बहुत सारी मूर्तियां लगाई गई हैं, कामुक मूर्तियां भी इसमें स्थापित की गई हैं खजुराहो शैली में। तो इसका एक प्रमुख उदाहरण है कंदरिया महादेव, जो शिव को समर्पित मंदिर है खजुराहो मध्य प्रदेश। ये नागर शैली का, खजुराहो शैली का मंदिर है। अब तीन मंदिर हैं जो नागर शैली के ओडिशा शैली के उदाहरण हैं। ओडिशा शैली में जो नक्काशी है वो दीवालों में बाहर तरफ ज़्यादा की गई है और अंदर की तरफ नक्काशी नहीं पाई जाती है। इसमें जो छज्जे बालकनी बनाई जाती थी वहाँ पर खंभों का प्रयोग करने के बजाय लोहे के गर्डरों का भी प्रयोग किया गया है। कौन कौन से मुख्य रूप से ओडिशा शैली के उदाहरण हैं? ये नागर शैली में ही आता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ये तीनों मंदिर उड़ीसा में हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर बहुत फेमस मंदिर है पुरी का उड़ीसा, और सूर्य मंदिर कोणार्क, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ओडिशा का, वो नागर शैली के ओडिशा शैली का उदाहरण है। और एक उदाहरण है सूर्य मंदिर मोढ़ेरा, मोढ़ेरा गुजरात में है। गुजरात के मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर जो है वो नागर शैली के सोलंकी शैली का उदाहरण है। इसमें कुछ अलग से विशिष्टताएं हैं, जैसे कि सोलंकी शैली का जो मंदिर है उसमें जलाशय जलकुंड पाया गया है, ये अपवाद है। जैसे कि हमने बताया था कि नागर शैली में जलाशय यानी जलकुंड नहीं बनाया जाता था मंदिर परिसर में, लेकिन गुजरात में सूर्य मंदिर में जलाशय पाया गया है। आप इसको यहाँ से भी जोड़ सकते हैं कि गुजरात क्षेत्र में बारिश कम होती होगी, इसीलिए वहाँ मंदिर परिसर में जलाशय बनाने की आवश्यकता महसूस की गई होगी। तो सूर्य मंदिर जो मोढ़ेरा गुजरात का है वहाँ जलाशय है, और वहाँ पर जलाशय की सीढ़ियों पर भी छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं, तो वो है सूर्य मंदिर मोढ़ेरा गुजरात का। इतने नागर शैली के मंदिर हैं, और आप बहुत सारे मंदिरों के उदाहरण देखेंगे जिनको आप नोट कर लीजिएगा और शैली के हिसाब से आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। तो आठ उदाहरण आप जरूर याद रखें नागर शैली में। अब चलिए हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की। बेसर शैली को अब हम बाद में देखेंगे, द्रविड़ शैली को पहले देख लेते हैं। द्रविड़ शैली कहाँ पाई गई है? जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं वो दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के बाद में, यहाँ कृष्णा नदी प्रवाहित होती है, कृष्णा नदी के बाद में दक्षिण तरफ का जितना क्षेत्र है वहाँ पे जो मंदिरों की शैली विकसित हुई वो द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली जो है वो चोल शासकों के संरक्षण में विकसित हुई, चोल शासकों के संरक्षण में इसका प्रगति हुई इसकी। इसकी संरचना मंदिर की किस प्रकार से है? जगती है, उसके ऊपर पीठ होता है और उसके ऊपर एक और चबूतरा होता है जिसको अधिष्ठान कहा जाता है। अधिष्ठान के ऊपर जो है मंदिर का निर्माण किया जाता है। और इसका जो प्रमुख लक्षण है वो आप पहले जान लीजिए। सबसे पहली चीज है गर्भगृह के ऊपर जो इसका शिखर है वो विमान कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे थे एक रेखीय शिखर और यहाँ पर है विमान। विमान किस प्रकार से होता है? ये बहुमंजिला होता है, इसमें इस तरह से एक रेखी न हो करके इसमें छोटे छोटे मंजिल होते हैं। जैसे एक मंजिल ये है, इसके ऊपर एक दूसरी मंजिल है, इसके ऊपर एक तीसरी मंजिल है, इसके ऊपर एक चौथी मंजिल है, पांचवी मंजिल, इस तरह से ये बहुत ऊंचा एक मंजिल युक्त विमान होता है। इसके ऊपर होता है शिखर, सबसे आखिरी में एक शिखर होता है और शिखर जो है एक लास्ट मंजिल आप कह सकते हैं, आखिरी मंजिल को शिखर कहा जाता है। और ये ऊंचाई में बहुत ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। आप बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में जो है वहाँ देख सकते हैं बहुत ऊंचे विमान वहाँ पे बनाए गए हैं। गर्भगृह के बाहर जो है मंडप होता है, मंडप के आगे अर्ध मंडप होता है, यहाँ बहुत खूबसूरत मंडप होते हैं। और मंडप और गर्भगृह के बीच में एक छोटा गलियारा भी होता है जिसको अंतराल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मंडप और गर्भगृह के मध्य में जो गलियारा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको अंतराल कहा जाता है। ये द्रविड़ शैली के मंदिरों में पाया जाता है अधिकतर, कुछ नागर शैली के मंदिरों में भी अंतराल पाया गया है।
और एक इसकी प्रमुख विशेषता है गोपुरम। गोपुरम हमने क्या बताया, भव्य और सजावटी ये गेट होता है जो मंदिर से बाहर होता है, उससे दूर होता है, प्रांगण में गेट बनाया जाता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो गेट हैं वो इतने सुंदर और इतने भव्य होते हैं कि वो मंदिरों से भी ज़्यादा ऊंचे और सुंदर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे आप द्रविड़ शैलियों में गोपुरम की विशेषता देखेंगे, नागर शैली में गोपुरम नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर चार दीवारी या परकोटा यानी चारों तरफ इसका जो परिसर होता है वो एक ऊंची बाउंड्री से घिरा हुआ होता था, और इसमें जलाशय भी बनाया जाता था, यानी यहाँ पर जलाशय भी पाया जाएगा, गोपुरम भी पाया जाएगा। और मंडप हैं, अर्ध मंडप हैं, विमान क्या है, मंजिलदार है और बहुत ऊंचा है। इसमें पंचायतन शैली पाई जाती है, नागर शैली में भी हमने देखा था पंचायतन शैली पाई जाती है और द्रविड़ शैली में भी पंचायतन शैली पाई जाती है, लेकिन एक अंतर है, यहाँ पर जो पंचायतन शैली होगी उसमें जो प्रमुख मंदिर होता है उसी के ऊपर विमान होता है, यानी मंजिलदार शिखर होता है। अन्य जो सहायक मंदिर होते हैं उनमें विमान नहीं बनाया जाता था, ये अंतर है, जबकि नागर शैली में सभी मंदिरों पर शिखर बनाया जाता था। यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी मिथुन की मूर्तियाँ जो है गेट पर लगाई जाती हैं, गर्भगृह का जो द्वार होता है वहाँ पर नदी देवी की मूर्तियाँ न लगा करके यहाँ यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। तो यह है द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताएं। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और शिव मंदिर गंगईकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर भी द्रविड़ शैली में, और महाबलीपुरम का रथ मंदिर महाबलीपुरम, ये प्रमुख उदाहरण है द्रविड़ शैली के। द्रविड़ शैली के बाद में जो हमारी अगली शैली है मंदिर निर्माण की वो है बेसर शैली। बेसर शैली जो है आप कह सकते हैं मध्य भारत में विंध्य श्रेणी से कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर बेसर शैली का उद्भव हुआ, और ये शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। इसमें दोनों शैलियों के गुण पाए जाते हैं, नागर और द्रविड़, इसमें दोनों के गुण हो सकते हैं, गोपुरम भी हो सकता है, जलाशय भी हो सकता है। ये आप कह लीजिए कि इधर से नागर शैली और इधर से द्रविड़ शैली के दोनों के मिक्सचर से बेसर शैली का प्रादुर्भाव हुआ, विकास हुआ। तो ये बिंद से कृष्णा नदी तक है, और इसकी एक विशेषता है खुले प्रदक्षिणा पथ होते हैं इसमें। यहाँ नागर शैली में जो हमने परिक्रमा पथ देखा था वो बंद होता था, यानी बरामदे बरामदे में होता था, ढका हुआ होता था। यहाँ पर मंदिर के बाहर खुले में परिक्रमा पथ होता है, और मंडप जो होता है वो ज़्यादा सुसज्जित होता है, बहुत खूबसूरत मंडप बनाया जाता है इसमें। तो ये बेसर शैली के कुछ गुण हैं, और बेसर शैली का जो है उदाहरण है डोड्डा बिसप्पा, ये दंबल का मंदिर है डोड्डा बिसप्पा, और बादामी के जो मंदिर हैं वो बेसर शैली में बनाए गए हैं। अब हमने बात की थी कि कुछ और शैलियाँ हैं, जैसे नायक शैली। नायक शैली इनके हम सिर्फ उदाहरण देख लेंगे कुछ जो प्रमुख पूछे जा सकते हैं। नायक शैली जो है वो नायक शैली का एक मंदिर है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नायक शैली में हम याद करेंगे मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ है, मदुरई में। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर जो है वो नायक शैली का मंदिर है, नायक शैली का। इसे आप द्रविड़ शैली में भी रख सकते हैं, लेकिन ये एक अलग शैली है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई का जो है वो नायक शैली का मंदिर है। और इसी प्रकार से विजयनगर शैली एक अलग शैली है, और विजयनगर में हम उदाहरण याद रखेंगे विट्ठल स्वामी मंदिर। कौन सा, विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, ये विजयनगर का है, विजयनगर शैली। इसको भी आप द्रविड़ शैली में ही जोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी एक अलग शैली है विजयनगर शैली, विट्ठल स्वामी मंदिर। और लोटस महल हम्पी, आप इसमें विजयनगर शैली में एक उदाहरण और याद रखेंगे, लोटस महल। लोटस महल कहाँ है, ये हम्पी। हम्पी का जो लोटस महल है वो भी विजयनगर शैली का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से होयसल शैली और पाल शैली भी मंदिर निर्माण की
शैलियां हैं। तो इस प्रकार से मंदिर निर्माण की हमने तीन प्रमुख शैलियां देखी, नागर, बेसर और द्रविड़। उनके कौन कौन से प्रमुख प्रमुख लक्षण हैं, क्या अंतर हैं, जैसे कि पंचायतन शैली किस में पाई जाती है, उनमें क्या अंतर है, प्रदक्षिणापथ ढका हुआ किस में है, गोपुरम और जलाशय, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है गोपुरम किन मंदिरों की विशेषता है, तो गोपुरम जो है द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता है, ना कि नागर शैली की। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे इनकी विशेषताएं और मंदिरों के उदाहरण। आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम मिलते हैं जल्दी एक नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।